तो दोस्तों एसएससी सीएचएसएल 2021 का टाइपिंग का रिजल्ट आपका आउट हो चुका है, जो कि टाइपिंग आपकी 6 जनवरी 2023 को हुई थी। जनरली दोस्तों 3 से 4 महीने एसएससी लेती थी, लेकिन इस बार अच्छी बात यह है कि जल्दी ही दोस्तों टाइपिंग का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, इस बार दोस्तों जो कट ऑफ है दोस्तों सीएचएसएल 2020 और सीएचएसएल 2021 की अगर हम कंपैरिजन करेंगे टाइपिंग के रिजल्ट को, तो दोस्तों बहुत बड़ा चेंज है उसके अंदर, वो हम डिस्कशन करेंगे। उसका इंपैक्ट पड़ेगा फाइनल आपकी कट ऑफ के ऊपर और स्टेट वाइज वैकेंसी के बारे में। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि फॉर्म आपके दोस्तों स्टार्टिंग में 36 लाख कहां तक आप पहुंच गए हैं, यानी कि इंडिया के करीब में से टीयर वन का पेपर दिया 14 लाख ने, टीयर वन को क्वालिफाई हुए 54,300, टीयर टू में दोस्तों 43,000, ठीक है, टीयर टू को पास किया 35,000 ने, और डीवी के लिए दोस्तों 14,873 कैंडिडेट को जो है क्वालिफाई किया, और फाइनली वैकेंसी कितने आपकी 6,000। यानी कि जो कैंडिडेट यहां तक पहुंच गया है, तो यानी कि वो कैंडिडेट ब्रिलियंट तो है, क्योंकि रिटर्न भी उसका हुआ है और टाइपिंग भी उसकी हुई है। ठीक है, दोनों चीज उसने अच्छी की है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं दोस्तों ये स्टेट वाइज वैकेंसी। दोस्तों अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है मैंने, क्योंकि अगर हम 22 स्टेट जो है यहाँ पर डिस्कशन करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने कंप्लीट पीडीएफ है जो दोस्तों ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म 2023 के नाम से जो अपना टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर इसको सर्च कर लेना। ठीक है, आज की डेट में जो दोस्तों ये वीडियो बन रही है आज की डेट में आपको ये जो मिल जाएगी। ठीक है, 19,000 समथिंग इसके अंदर सब्सक्राइबर हैं, वहां से आपको पता लग जाएगा कि आपके स्टेट में कितनी वैकेंसी है। और जो दोस्तों कैंडिडेट फेल हो गए हैं या फिर उनको लगता है कि उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, तो दोस्तों 1 अप्रैल को सीजीएल का नोटिफिकेशन आ रहा है। ठीक है, और जिस कैंडिडेट ने दोस्तों बैच अभी तक मान लिया, जिसने कभी भी कोचिंग नहीं ली है, तो वो ले सकता है दोस्तों एसएससी सीजीएल के एग्जाम के 2023-24 के लिए। ठीक है, बैच का नाम है दोस्तों ब्रह्मास्त्र 2.0। इसका दोस्तों जो चार्जेस रहेगा 1499 रुपये का, फिजिक्स वाला की तरफ से है ये। ठीक है, इसको खरीदने का जो लिंक है दोस्तों वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, वहां से आप दोस्तों इसको जो है डायरेक्टली परचेज कर पाएंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे और डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, क्योंकि एक बार कोचिंग लेनी जरूरी होती है। आगे देख लेते हैं ये दोस्तों रिजल्ट में बदलाव क्या है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये दोस्तों आज का रिजल्ट है, इसके अंदर 14,873 कैंडिडेट पास हुए हैं। ठीक है, 14,873, ये दोस्तों 11,297 कैंडिडेट जो है पास हुए थे, पिछली बार समथिंग 4700 के आसपास जो है वैकेंसी थी। ठीक है, पिछली बार में और इस बार में सबसे डिफरेंस क्या है, यूआर कैटेगरी दोस्तों क्वालिफाई हुए थे 2005 कैंडिडेट 11,000 में से, इस बार दोस्तों 14,000 में से 1892 कैंडिडेट पास हुए हैं। ठीक है, यानी कि यूआर के दोस्तों कैंडिडेट तो यहां पर क्या होने थे, इंक्रीज होने चाहिए थे, क्योंकि अल्टीमेट 11,000 से 14,000 पास हो रहे हैं, तो यहां पर क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। और वैकेंसी की अगर मैं बात करूं 2020 के अंदर यूआर कैटेगरी की वैकेंसी कितनी थी, 2005 यूआर कैटेगरी दोस्तों वैकेंसी थी 2180। ठीक है, 2020 के अंदर ये वैकेंसी का दोस्तों कॉलम है ये वाला, 2180 थी, और 2021 में दोस्तों कितने हैं, 2924 कैंडिडेट यहां पर कितने पास हुए हैं, 1892, और यहां पर कैंडिडेट कितने पास है दोस्तों, 2005। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो कैंडिडेट यहां पर आप देखेंगे कि ईडब्ल्यूएस के दोस्तों 2971 कैंडिडेट पास हैं, एससी के दोस्तों 3100 कैंडिडेट पास हैं, और ओबीसी के दोस्तों 3900 कैंडिडेट पास हैं। ठीक है, और एसटी के 1336 कैंडिडेट पास हैं। अब यहां पर अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहां पर यूआर के 2000 हैं, ईडब्ल्यूएस के 2000 हैं, और एससी के 3100 हैं, यानी कि यूआर के, ईडब्ल्यूएस के और एससी के कैंडिडेट इक्वल पास हुए थे 2020 के अंदर। ठीक है, इक्वल पास हुए थे 2020 के अंदर टाइपिंग के अंदर। 2021 के अंदर क्या हुआ कि ईडब्ल्यूएस के दोस्तों जो कैंडिडेट हैं, यूआर के तो कम हो गए, लेकिन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट बढ़ गई, एससी के भी दोस्तों बढ़ गए। ठीक है, यानी कि ईडब्ल्यूएस और एससी के ऑलमोस्ट सेम रहे, फिर ओबीसी के दोस्तों इससे डबल ही हो गई, 1800 लगा लो 1938, इससे भी 4000 कैंडिडेट पास हो गए ओबीसी के। ठीक है, यानी कि दोस्तों ये क्या होगा, इससे इस चीज का क्या होगा दोस्तों, ये सीट ले जाएंगे जनरल कैटेगरी की एक, तो दूसरी चीज क्या होगी, ओबीसी ईडब्ल्यूएस और एससी की जो कट ऑफ है दोस्तों वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। पिछली बार एससी एसटी के दोस्तों कैंडिडेट पास हुए थे 751, इस बार एसटी के कैंडिडेट हुए हैं 1336। ठीक है, यानी कि डबल कैंडिडेट पास हो गए हैं। ठीक है, यहां पर दोस्तों 700 थे, यहां पर 1300 हो गए, यानी कि डबल 1300
36 लगभग डबल हो गए, लेकिन यहां पर 11,000 थे, यहां पर 14,000, ये डबल नहीं हुए, ठीक है। इसमें सिर्फ 4,000 का अंतर है और यहां पर दोस्तों ये डबल हो गए, यानी कि अगर ये डबल होते तो 11 दुनी 22 हो जाते, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, डिफरेंस वही होना था। लेकिन इससे क्या होगा, एससी और एसटी की जो कट ऑफ है वो भी क्या हो जाएगी दोस्तों, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यह दोस्तों मैंने आपको, मेरा वीडियो बनाने का नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि ये चीज थोड़ी सी क्लियर कर दूं मैं आपको, जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है इस बार, यानी कि कट ऑफ में थोड़ा सा बदलाव देखने को आपको मिलेगा, ठीक है, डेफिनेटली आपको मिलेगा दोस्तों, ठीक है। ये दोस्तों इस तरह से आपकी लिस्ट है, लिस्ट वन के अंदर 14,873 पास है, 1,067,220, और लिस्ट वन के लिए दोस्तों क्वालिफाई वैकेंसी कितनी, 5,932 और ये टोटल 6,072 आपकी वैकेंसी बन गई, ठीक है। जो टीयर टू की कट ऑफ थी दोस्तों वो लिस्ट के हिसाब से इतनी थी, 199,222 और 230 थी, ठीक है। तो ये दोस्तों मैंने जो कट ऑफ बताई थी आपको, ठीक है, ये बताई थी 24 दिसंबर 2022 को, जब आपके टीयर टू के मार्क्स आउट हुए थे, ठीक है। तो इसमें दोस्तों यूआर कैटेगरी में तो दोस्तों मुझे कोई चेंज देखने को नहीं मिल लग रहा, ठीक है। ओबीसी में भी, हालांकि ईडब्ल्यूएस में और एससी एसटी में चेंज हो सकता है, ये डिटेल में एनालिसिस दोस्तों मैं करूंगा, तभी जो है मेरे को भी पता लगेगा कि आखिर कितना चेंज जो है किस कैटेगरी में होने वाला है, ठीक है। अभी डिटेल में दोस्तों एनालिसिस नहीं करें, क्योंकि इसके अंदर टाइम लगेगा डिटेल में एनालिसिस करने के लिए, ठीक है। पिछली बार की अगर मैं बात करूं दोस्तों, टीयर टू के 190 से दोस्तों 22 नंबर इंक्रीज हो गई थी, 212 जो है 2018 के अंदर फाइनल कट ऑफ गई थी, 222 दोस्तों थी, 15 नंबर इंक्रीज हुई थी, 4,684 वैकेंसी थी। 2020 के अंदर दोस्तों 209 थी टीयर टू से, 13 नंबर इंक्रीज हो गई थी, ठीक है, 4,726 वैकेंसी थी। अब टीयर टू की दोस्तों कट ऑफ क्या है, 199 है, ठीक है, और वैकेंसी क्या दोस्तों इन सबसे ज्यादा है। यहां पर दोस्तों अगर आप देखेंगे 190 में यहाँ पर 22 नंबर इंक्रीज हुई थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कितनी थी वैकेंसी, 5,600 थी, और इस बार पिछली बार दोस्तों 13 वैकेंसी 13 इंक्रीज हुई थी। धीरे धीरे क्या है दोस्तों, ये गैप कम हो रहा है, क्योंकि एक एक नंबर में ज्यादा ज्यादा कैंडिडेट जो है आ रहे हैं। सबसे बड़ा कारण क्या है, जैसे जैसे हम 2022 और फिर अब 2023 में आ रहे हैं, तो एक एक नंबर में क्या हो रही, स्ट्रेंथ जो बढ़ रहे हैं, ठीक है, एक एक नंबर में दोस्तों कई कई सारे कैंडिडेट जो है आ रहे हैं। पहले मान लिया 20 आते थे, अब 30 आ रहे हैं, पहले मान लिया 200 आते थे, अब 300 आ रहे हैं, ठीक है, इसका सबसे बड़ा कारण ये है, ठीक है। तो ये चीजें हैं दोस्तों। तो और अगर अभी तक भी दोस्तों आपने नहीं भूल गए हो, ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने इन सीजीए 2021 की इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की रैंक वाइज लिस्ट भी दोस्तों यहाँ पर ऑल इंडिया की डाल दी है। आप रैंक भी चेक कर सकते हैं कि किस तरह से जो लोग प्रेफर कर रहे हैं, टॉप 100 में कितने आ रहे हैं, 42 हैं, इस तरह से दोस्तों ये सारी चीजें आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएंगी। और दोस्तों सीजीए 2022 की और सीएचएसएल 2021 की और भी स्टेट वाइज वैकेंसी में यहाँ पे डाल दूंगा, तो आप ज्वाइन कर लेना। और यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। अगर आप गाइडेंस चाहते हैं, किसी कोई अपडेट चाहते हैं, हर चीज आप दोस्तों आपको इस YouTube चैनल पर मिलती रहेगी, कट ऑफ से रिलेटेड, एनालिसिस से रिलेटेड, ठीक है। सीएचएसएल 2020 की दोस्तों मैं आपको बताऊं, 223 बताई थी, 222 पॉइंट समथिंग जो कट ऑफ गई थी, जो कि एग्जैक्टली सेम ही गई थी, और उम्मीद करते हैं इस बार भी दोस्तों अगर उस कट ऑफ में जितना बदलाव होगा वो हम देखेंगे, ठीक है। तो पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड दोस्तों डिटेल भी मैं आपको जो है, जो आपने की पोस्ट आपने कौन सी फिलअप करनी है, इसकी डिटेल में दोस्तों मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको जो है दे देंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की दोस्तों एक्सपेक्टेड डेट रहेगी 25 मार्च से 5 अप्रैल के बीच में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। 25 मार्च से तो नहीं लग रहा, लेकिन यूं है कि 5-7 दिन आगे पीछे, ठीक है, प्लस माइनस 5 स्टार्ट हो जाएगा, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल हम कह सकते हैं, ठीक है, कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल आपका जो है ये स्टार्ट होने की उम्मीद है, ठीक है। तो दोस्तों YouTube चैनल और Telegram चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको सारी चीज़ें समय समय पर फास्ट मिलती रहें। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।